मैं धीरज मिश्रा इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर हूं और राजा रणदीप गिरी जी ने मेरे साथ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। मैं इससे पहले काफ़ी बायोपिक बना चुका हूं और ये मेरी पहली रोमांटिक फिल्म है। फिल्म का नाम है लफ्ज़ों में प्यार और इसमें 9 गाने हैं। रोमांटिक फिल्म है। अशोक साहनी साहिल जी ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और वो भी इनका ताल्लुकात भी कश्मीर से ही है। उनके गाने सुनकर ही मुझे इस फिल्म का आइडिया आया। मैंने पूरी फिल्म भदरवा में ऑलमोस्ट शूट की है तो भदरवा की ही कहानी दिखाया। हमारा हीरो भदरवा में ही है। फिल्म के जितने करेक्टर हैं सब भदरवा में ही सिचुएटेड है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इधर की ही कहानी है ये। देखा जाता है कि आप जो है डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जो लाइक करते हैं जम्मू कश्मीर में फिल्म बनाने की, तो क्या खास वजह है कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? देखिए 2017 में पहली बार मैंने गालिब बनाई जो अफजल गुरु के बेटे के ऊपर थी, लेकिन मुझे लगा कि कश्मीर को बजाय आतंकवाद और इन सब चीज़ों को दिखाने के बजाय प्रेम कहानी के रूप में दिखाना चाहिए। जैसे वीर जारा में यश चोपड़ा साहब ने भारत पाकिस्तान के ऊपर दिखाया नहीं, एक भी वॉर नहीं दिखाई, तो वो चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी। और जब मैंने साहिल साहब के गाने सुने तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। तो पहले गाने आए फिर मेरे दिमाग में कहानी आई और भदरवा तो मैंने शूट किया हुआ था तो सारे खूबसूरत लोकेशन मेरे दिमाग में थे। तो फिल्म में जो रोल है किन-किन में रोल को फिल्म में अनीता राज जी हैं, जरीना वहाब है, मीर सरवर जी हैं, ललित परमू हैं, कंचन अग्निहोत्री हैं, वानी डोगरा हैं, विवेक हैं, प्रशांत राय हैं, मेघा जोशी हैं, सचिन हैं, ढेर सारे कश्मीर के भी कलाकार हैं इसमें। जून एंड में रिलीज हो रही है, बहुत जल्द इसका ट्रेलर भी आने वाला है। मेरा इसमें मैं म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर का मैंने इसमें काम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, एंटरटेनमेंट देखें एक बहुत बड़ा सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि हर एक प्रोडक्शन, चाहे कोई वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, खाने पीने की चीज़ें हो, कुछ भी हो, तो वो हर एक ऐड हमेशा टीवी पे क्यों लगता है, थिएटर पे क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे एंटरटेनमेंट होता है। तो एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा पावर है प्रमोशन का। तो जब एंटरटेनमेंट यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है कश्मीर की हर चीज़ को फ़ायदा होगा उस चीज़ से। ये थोड़ा एक फैमिली टाइप मूवी है, तो एक जैसे कोई लड़का अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करता है, फैमिली की हदें थोड़ा सा तोड़ के बाहर जाना, तो उसी के आसपास चल रही मूवी है ये। तो एक अच्छी है, फैमिली मूवी है और इसमें गाने हैं कुछ जो इनके प्रोड्यूसर हैं अशोक सानी साहिल साहब, उनके लिखी हुई गज़लें हैं जो गज़लों को ज़्यादा इसमें पोर्ट्रे किया गया है। हाँ, ये फिल्म लफ्ज़ों में प्यार जम्मू और कश्मीर में ही बनी है। कश्मीर से जुड़े हुए कई कलाकार इसमें मैं भी हूँ। ये एक हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म है। इसमें 9 गाने हैं। अशोक साहनी साहिल जिन्होंने ये गाने लिखे हैं, म्यूज़िक मिस्टर काबुल ने दिया है, मिस्टर धीरज शर्मा ने लिखा और डायरेक्ट किया है। मेरे अलावा अनिता राज जी, जरीना वहाब, ये सब कलाकार भी हैं। एक लड़का है जो संगीत में रुचि रखता है, पिता को पसंद नहीं है। एक टाइम में फादर बेटे को घर से निकाल देते हैं और बेटा म्यूज़िक की दुनिया में कुछ करने के लिए लगा रहता है। किसी लड़की से प्यार भी होता है, फादर थोड़ा समझता है थोड़ा नहीं समझता है, और उसको ठीक करने के इरादे से वो उसकी शादी किसी और लड़की से तय करता है। बेटा फिर असमंजस में है, शादी करे नहीं करे। फिर बीच में फादर की तबीयत भी ख़राब होती है वो, और वक्त आगे बढ़ता है, लड़का म्यूज़िक की दुनिया में एक अच्छा नाम कमाता है और बाद में एक बड़ा फ़ैसला लेता है कि शादी वो उसी लड़की से करता है जो उसके पिता ने तय की थी। तो ये कुल मिला के एक छोटी सी वन लाइन है। मिस्टर धीरज मिश्रा ने शायद पता नहीं यहाँ अनाउंस किया या नहीं, बट उनके मन में है कि वो 2 फिल्में और प्लान किए हुए हैं जो यहीं पे शूट करेंगे और यहाँ के लोकेशंस को यूज़ करेंगे और यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोकल टैलेंट का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैं कई लोगों से परिचित हूँ जो कश्मीर में शूट करना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में ये काम हो रहा है और हो तो अच्छा है। पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छे से होगा तो इसमें देर नहीं लगेगी कि ढेर सारे फिल्म मेकर्स यहाँ शूटिंग करने के लिए आ जाएं। तो